युवती की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर परिजनों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र अंतर्गत चुरमारी निवासी 18 वर्षीय शिवानी शर्मा 1 जुलाई को अपने घर से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी, जिसका शव 3 दिन बाद घर के पास कुएं से मिला था। शक के आधार पर कुछ लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराई गई थी, जिन पर पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक सतना और पुलिस महानिरीक्षक रीवा को जानकारी दी गई, परंतु उसके बाद भी उचित कार्यवाही नहीं की गई। शुक्रवार को परिजनों ने रीवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंप घटना की CBI जांच की मांग की है। करवाई थी, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं। हम लोग 14 संगठन हम लोग के साथ है। हम लोग आप लोगों से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि इस बच्ची के साथ न्याय हो, और आगे भविष्य में हमारे रीवा में हमारे यहाँ ऐसे करने में भी लोग डरे, ऐसा कुछ आप लोग एक्शन लें। हम लोग ज्ञापन लेके आए हैं। शिवानी शर्मा उम्र 18 वर्ष, ग्राम पंचायत चोरमारी रामपुर थाना बाघेलान की बच्ची है। एक माह पूर्व इसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इसकी लाश चौथे दिन उसी के घर के पास बगल के कुएं में मिलती है। नाम दर्ज रिपोर्ट होती है, पुलिस के सामने गवाह भी प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की ये लचर व्यवस्था कि आज तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया है, इससे विवश होकर के सतना SP को भी ज्ञापन सौंपा गया। सब कुछ आज रीवा संभाग के माननीय कमिश्नर मैडम के पास हम लोग आए हुए हैं। 14 सामाजिक संगठन, जिसमें स्वर्गीय अरविंद शर्मा कैंसर वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन भारती मैडम जी, मुस्लिम कल्याण मंच से गुल मोहम्मद जी, मानवाधिकार से आलोक जी, जय महाकाल सेवा संघ, नगर विकास प्रशासन समिति से अमर भारती जी, ऐसे 14 सामाजिक संगठन मिलकर ने ये ठाना है कि हम शिवानी शर्मा इस बहन को न्याय दिला करके रहेंगे, और चाहे हम लोगों को जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे भोपाल जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करनी पड़े, चाहे महिला आयोग जी के पास, हम लोग सभी कोई सारे सामाजिक संगठन सबको मेल भी कर रहे हैं और लगातार इस लड़ाई को रीवा के सभी सामाजिक संगठन लड़ेंगे। इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग जहाँ तक आगे होगा, अभी तो हम 14 ही संगठन इकट्ठे हुए हैं, आगे हम लोग 100 भी इकट्ठे होंगे संगठन, और जहाँ तक हम लोग को लड़ाई लड़नी होगी वहाँ तक लड़ेंगे। मेरे को उम्मीद है आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको न्याय मिलेगा।